हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत पहले उनके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत ही अच्छी जा रही है फ्रेंड्स आईपीएल, बहुत ही बेहतरीन आईपीएल जा रही है। और फ्रेंड्स, ज़रूर के ज़रूर आप जुड़ जाए हमारे पॉसिबल 11 एप्लीकेशन के साथ। बहुत सारे गिव अवे आ रहे हैं, जैसे कि इस मैच में भी आप गिव अवे देख सकते हैं। फ्री एंट्री है फ्रेंड्स, फ्री एंट्री मतलब फ्री के पैसे आप अगर छोड़ सकें तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। फ्रेंड्स, जल्दी ज्वाइन कर जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। रेफरल कोड कैपिटल बाय कैपिटल टी डालिए, आपको 20 रुपये तो डायरेक्ट वैसे मिल जाएंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे तरीके, जैसे कि एक लिंक है वीडियो का, हाउ टू अर्न फ्रॉम पॉसिबल 11 ऐप, उसे चेकआउट कीजिए। उसमें पता देगा कि इतने सारे आप पैसे कमा सकते हैं। क्या करना है, बस 10-15 मिनट आपके अपने देने हैं, बस आप फ्री में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको कुछ दिक्कत आती है तो फिर कमेंट कीजिएगा। आप फ्रेंड्स किसी भी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आप लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर के ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच की बात करो तो ये मैच फिर वीडियो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद की तरफ से बात करो तो बहुत ही तगड़ी टीम है, पर बॉलिंग मुझे थोड़ी वीक लगती है इनकी, और मिडल ऑर्डर इनका उतना तगड़ा नहीं है। हाँ, केन विलियमसन के आने के बाद थोड़ा बेहतरीन हुआ है, क्योंकि देखिए वॉर्नर पेरिस्टो, मनीष पांडे और केन विलियमसन, इनकी सारी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है सारी ऊपर रखी है। प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा एक मैच में बहुत अच्छे और इम्प्रेसिव दिखे, अगर उसी तरह से मिडल ऑर्डर को संभालते तो एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप हो जाएगी इनकी। अमुद अब्दुल समाद एक नए प्लेयर, एक ऑलराउंडर है, हिटिंग ऑलराउंडर, स्लॉगर की भूमिका निभाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। फिर राशिद खान आपको देखने को मिलेंगे, संदीप शर्मा देखने को मिलेंगे, सैंडी भुवनेश्वर आउट हो गए हैं, एक पृथ्वीराज एज अ रिप्लेसमेंट आए हुए हैं भुवनेश्वर कुमार के, टी नटराजन है यहाँ पर और सिद्धार्थ कौल है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी टीम, पर वहीं सामने पंजाब की तरफ से बात करो तो इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो केवल दो मुझे लगते हैं, वो है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। इन बैटिंग की बात करूँ तो, क्योंकि मनदीप सिंह नॉट प्रॉमिसिंग, निकोलस पूरन लास्ट में थोड़ा प्रॉमिसिंग लगे, मैक्सवेल उतने प्रॉमिसिंग अभी तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं लगे, सरफराज खान को तो बैटिंग ही नहीं मिली ठीक ठाक, तो मतलब कि टोटली डिपेंडेंट ऑन केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल। बॉलिंग की बात करो तो बॉलिंग इनकी थोड़ी ठीक है, हैदराबाद से क्रिस जॉर्डन है इनके पास, हरमनप्रीत लास्ट मैच में ठीक ठाक बॉलिंग की, रवि बिश्नोई एक अच्छे स्पिनर, मोहम्मद शमी तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। हाँ, कॉट्रेल की जगह मुजीबुर रहमान देखने को मिल सकती है, कॉट्रेल उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, थोड़े रन ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं, और मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे फॉर्म में थे तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन इनके पास आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए हैं और बाहर हो चुके पूरे टूर्नामेंट के लिए, उनकी जगह पृथ्वीराज 11 आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट, मुजीब लाइकली टू रिप्लेस कॉट्रेल या फिर जॉर्डन को, 1000 रुपये का गिव अवे इस मैच में भी। फ्रेंड्स, सनराइज हैदराबाद की बात करो तो एक हिस्टोरिक बॉलिंग हैवी टीम थी, पर अब भी मुझे थोड़ी इनकी बॉलिंग डाबाडोल लग रही है। भुवनेश्वर कुमार की इंजरी के बाद तो एक थोड़ी और दिक्कत हो गई है, छठे पोजिशन पर है अभी और नेट रन रेट से ही आगे चल रहे हैं थोड़ी हैदराबाद। 2 मैच जीते हुए उन्होंने 5 मैचेस में, और नेट रन रेट है -0.4 का। डेविड वॉर्नर बैरिस्टो दोनों ओपनिंग करते हुए देखेंगे, वॉर्नर लास्ट मैच में एक अच्छा नॉक मिला उनके बल्ले से, बैरिस्टो ठीक ठाक फॉर्म में है, मनीष पांडे, विलियमसन थोड़ी और रंग दिखाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रियम गर्ग ठीक दिखे थे 1-2 मैच में, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी उन्होंने। फिर वॉर्नर इस टीम कप्तान, अच्छे बैट्समैन, बैरिस्टो कीपिंग करते हुए दिखेंगे, राशिद खान स्पिन डिपार्टमेंट, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा पेस अटैक में, और भुवनेश्वर कुमार की दिक्कत में डिसेंट वो जो इनका अच्छी गेंदबाजी थी, थोड़ी दिक्कत होने वाली है थोड़ी, क्योंकि संदीप शर्मा सिद्धार्थ कौल दित में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से बात करूँ तो एक लौती साइड है जिन्होंने एक से ज़्यादा गेम नहीं जीती है फ्रेंड्स, हाँ एक से ज़्यादा गेम नहीं जीती है, और ये सबसे लास्ट में है अभी पूरे टेबल में। पंजाब लास्ट हैदराबाद से भी खराब परफॉर्मेंस अभी तक किया हुआ है, केवल राहुल और मयंक अग्रवाल पर डिपेंडेंट है, और दोनों ही केएल राहुल और मयंक अग्रवाल यही दोनों ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे आगे में शुमार है। और फ्रेंड्स, मतलब पूरा डिपेंडेंट है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पे, और थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है पूरी इस पंजाब को। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी टीम में दिक्कत है, बॉलिंग तो अच्छी है पर बैटिंग ही थोड़ी मुझे ख़राब लग रही है इनकी।
लास्ट 5 8 विकेट की बात करूँ तो इसमें पंजाब आ गए हैं 3-2 से। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ तो जॉनी बेस्ट सबसे अच्छी चॉइस है विकेट कीपिंग है ऑप्शन में। टॉप ऑर्डर के प्लेयर को ज़्यादा खेला है, वो ना खेल राहुल आपके मस्ट पिक्स होने चाहिए, वही अग्रवाल है, पेरस्टो है। विकेट टेकिंग बोलर्स तहत ओवर में है शमी, सिद्धार्थ कौल, स्मॉली के मस्ट पिक्स है डेविड वॉर्नर, चारी बेस्ट, रशीद खान, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और मोहम्मद शमी। रिस्की में मनीष और क्लेन मैक्सवेल यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, राशिद खान, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद शमी। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो सलसा में मैच खेला जाएगा दुबई में, दुबई में थोड़ी कम रन बन रहे हैं। लास्ट मैच यहाँ पर चेन्नई बहुत अच्छी बैटिंग किया। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो क्लीन है और बारिश का संभावना नहीं। चलिए फ्रेंड चलते हैं इंग्लैंड में टीम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आपके सामने लाइव टीम बनाएंगे फ्रेंड्स, कोशिश करूँगा आपको एक बहुत अच्छी टीम देने की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम को टीम पहले तैयार करेंगे, हम मात्र अभी केएल राहुल को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर बैट्समैन में आगे जाओ तो अग्रवाल आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही टफ टीम बनाना होगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। बात करूँगा अभी और बैट्समैन मैं पिक नहीं करता हूँ, फिर ऑलराउंडर्स की तरफ जाता हूँ। इसके आपको एक जब भी टीम बनाते हैं आपको एक पता चल जाता है किस किस प्लेयर है। बोलर्स की बात करूँ तो शमी आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि बिश्नोई भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर आपको अपनी टीम में उन्हें लेना चाहे तो। फिर सनराइज हैदराबाद से टी नटराजन एक अच्छे बॉलर अभी तक उभर के आए हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी कोर टीम तैयार फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे आगे, पेरस्टो आपकी टीम में एक विकल्प और जो आपकी टीम में होने चाहिए। अगर बैट्समैन की बात करूँ तो वो ना देन विलियमसन को आप एडजस्ट करना चाहे या मनीष पांडे को, वो हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि एक को तो हमें करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर्स ज़्यादा प्रॉमिसिंग कोई ऑलराउंडर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। फिर आपको लास्ट में अभिषेक शर्मा के साथ जाना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा ठीक ठाक अभी तक दिखे हैं। 3 बॉलर हमने ऑलरेडी पिक कर चुके हैं तो हम कोशिश करेंगे बैट्समैन ऑलराउंडर पिक करने की। 25.5 क्रेडिट बचा हुआ है, अगर हम अभी मनीष पांडे के साथ जाते हैं तो हमारे पास 16.5 बचेगा। प्रियम कर्क को आप पिक कर सकते हैं। और वही पंजाब की तरफ से नीशम की बात करूँ तो नीशम लास्ट मैच खेले भी नहीं थे, अगर खेलते तो एक अच्छे पिक हो जाते हैं, पर फिर भी अगर ये नहीं खेले तो हम इन्हें नहीं खेलाएंगे क्योंकि खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और किसी बैट्समैन की बात करूँ तो पंजाब का एक बैट्समैन आपको अगर लेना होगा तो सरफराज खान एक अच्छा ऑप्शन है, पर बहुत ही कम बैटिंग आ रही है फ्रेंड्स, ये वेस्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। इसकी जगह मैं मनदीप सिंह को ले लेता हूँ अपनी टीम में और आधा क्रेडिट हमारे पास बच रहा है। तो आप अगर चाहे तो मनीष पांडे की जगह केन विलियमसन के साथ जा सकते हैं, ये एक आपके पास ऑप्शन रह जाएगा। 8.5 पेरस्टो है इधर, फिर मनीष पांडे या फिर केन विलियमसन। तो फ्रेंड्स सामने की बॉलिंग लाइनअप देखे तो सामने बॉलिंग लाइनअप हो गए पंजाब का शामी, कॉटरेल, रवि बिश्नोई। तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के साथ केन विलियमसन के जाना ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी पूरी टीम बन चुकी है, 2 विकेटकीपर, 5 बैट्समैन जिसमें मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा एज ऑलराउंडर, शमी, रवि बिश्नोई और टी नटराजन। एक अच्छी टीम दिख रही फ्रेंड्स। दुबई में ये मैच हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक और अगर आप स्पिन बोलर अगर खिलाते तो ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पेरस्टो की जगह खिला सकते हैं राशिद खान को, पर मैं इसी टीम के साथ अभी जा रहा हूँ। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो बहुत ही टफ होकर चूज़ करना, पर मैं कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ जा रहा हूँ, आप राहुल के साथ भी जा सकते हैं। वाइस कैप्टन मैं पिक कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन पिक करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आप पेरस्टो के साथ जा सकते हैं, वॉर्नर के साथ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि पेरस्टो के साथ जाना एक अच्छा ऑप्शन है, पर मैं फिर भी वॉर्नर के साथ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स एक अच्छी टीम दिख रही है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसी लगी टीम और थोड़ी सजेशंस दीजिए। और फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी, और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, सॉरी फ्रेंड्स ज़्यादा पैसे कमाए।